हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टडी 9.8 में। इस वीडियो में आप लोग लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस के गणित को हल करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, लाभ और हानि गणित को हल करने से पहले कुछ मुख्य बातों को जानना जरूरी है। पहला नंबर, यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा है तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा, या विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, या क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। दूसरा नंबर पॉइंट, यदि क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होगा, या क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि, या विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। तीसरा नंबर पॉइंट, साधारणतः तो लाभ और हानि की गणना क्रय मूल्य पर की जाती है। चौथा नंबर, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ इंटू 100 बाय क्रय मूल्य। पाँचवा नंबर, प्रतिशत हानि बराबर हानि इंटू 100 बाय क्रय मूल्य। छठा नंबर, यहाँ हानि की दर बराबर 8%, 90 रुपये में बेचकर 10% हानि बराबर 100 रुपया क्रय मूल्य, 110 रुपये में बेचकर 10% लाभ बराबर 100 रुपया क्रय मूल्य। चलिए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 25 कलमों का क्रय मूल्य 20 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत बताइए। प्रश्नों में 25 कलमों का क्रय मूल्य 20 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 25 कलम क्रय मूल्य 20 कलम का विक्रय मूल्य। 25 कलम खरीदता है और 20 कलम को बेचता है तो उसके बराबर आ जाता है, और लाभ प्रतिशत निकालना है। चलिए प्रश्नों का हल करते हैं। प्रश्न से 25 कलम माइनस 20 कलम बराबर 5 कलम, 25 में 20 घटाए तो 5 आ गए, चूंकि 20 कलम बेचने पर 5 कलम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, इसीलिए 100 कलम बेचने पर 5 × 100 / 20, 100 × 100 काट गया, ये हो गया 5, ये 25, अर्थात 25 कलम के बराबर लाभ होता है।
अतः लाभ प्रतिशत बराबर 25% इसका आंसर। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन, यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्यों के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्यों के बराबर है, ये विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न से बीस वस्तु माइनस 16 वस्तु बराबर 4 वस्तु बीस वस्तु क्रय मूल्य और 16 वस्तु विक्रय मूल्य, तो 20 में 16 घटा दिए तो 4 वस्तु आ गया। इस चूंकि 16 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के बराबर लाभ होता है इसलिए 100 वस्तुओं को बेचने पर 4 × 100 2 × 16 ये 4 × 4 = 16 हो गया, ये 4×5 = 125 वस्तुओं के अर्थात 25 के बराबर लाभ होता है। अतः प्रतिशत लाभ बराबर 25। % आंसर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक वीडियो को दोस्तों में शेयर करें।